आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 39वां अध्याय वचन 1 से 21। फिर उन्होंने नीले, बैंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया, और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए, फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, और तारों को नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए, वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया, और उसे कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इसराइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे, और सोने के खानों में जड़ दिए, और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इसराइलियों के लिए स्मरण कराने वाली मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने चपरास को एपोद के समान सोने की और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना, और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़े। पहली पंक्ति में माणिक्य, पद्मराग और ललाड़ी जड़े गए, और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सीने के खानों में जड़े गए, और ये मणि इसराइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया, और उन्होंने चपरास पर डोरियों के समान गूथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गूथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया, और गूथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में थी लगाई, और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे, और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी।